हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बी6 बाई सुमन नेगी में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी भाग 14, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है, देखिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको प्रथम कोटि का जो समाकलित वेग समीकरण है मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो उसका फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। इनकेस आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो आई बटन पे प्लेलिस्ट डाली है उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो इसकी हैं रासायनिक बलगतिकी की। तो प्लीज स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट करके आप नहीं देख सकते किसी भी चीज को, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण जो होता है वो है K1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेग स्थिरांक है प्रथम कोटि का। ये मैं नहीं लिखा है, शायद NCERT में 1 ना लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेग स्थिरांक है प्रथम कोटि के लिए, ये होता है 2.303/T इंटू लॉग 10 आर नॉट कंसंट्रेशन आर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये आफ्टर टाइम टी, ठीक है। लेकिन अब हम लगाएंगे अर्ध आयुकाल की कंडीशन, ये तो प्रथम कोटि की वेग समीकरण है। अब क्या कहता है हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है, अर्ध आयुकाल का मतलब होता है जब सांद्रता, जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता जिसे हम R0 से दिखाते हैं उसका एग्जैक्ट आधा हो जाए। मैंने बताया था ना, अगर 100% सांद्रता है तो उसका एग्जैक्ट आधा, मतलब जब सांद्रता 50% रह जाती है तो वो समय अर्ध आयुकाल कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो गया जब सांद्रता जो शुरू में आपने लिया था उसका एग्जैक्ट आधा हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं जब टाइम 0 मान लीजिए, कोई अभिक्रिया 50 मिनट में होती है, तो अगर जैसे ही 25 मिनट होंगे तो 25 मिनट उसका क्या कहलाएगा अर्ध आयुकाल। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जब टाइम टी हाफ हो जाए, आधा हो जाए, तब क्या करेंगे आर और टी का मान समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक। तो आर व टी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 2.303/T की जगह टी हाफ इंटू लॉग 10 R0/R की जगह क्या आ जाएगा, R की जगह रखेंगे R0/2, ठीक है, आर नॉट कहते हैं इसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आर नॉट अपॉन में है, अपॉन में एक बड़ी सी वैल्यू है R0/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और R नीचे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा K1 2.303 log 10 T half log 10 2 ऊपर चला गया R0/R0। अब आपको दिख रहा है दोनों जगह R0/R0 है, इस R0 से ये वाला R0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचेगा क्या, K1 2.303/T half log 10 और ये कट गया था तो यहाँ बचा 2, तो log बेस 10 है तो इसका हम log टेबल से निकाल देख सकते हैं log 2 का मान। तो log 2 का मान ये मैंने आपसे पहले भी कहा था याद करने के लिए, मैं एक दिन log निकालना भी आपको बता दूंगी ट्रिक से, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो log 2 और log 3 की वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे बहुत से क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो आप रख दीजिए log 2 = 0.3010 अपॉन ये नीचे वही है टी हाफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2.303 × 0.3010 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड और रिवाइड करेंगे इसे टी हाफ से, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ चुका है हमारे पास 0.693/K1। तो ये आ चुका है हमारा टी हाफ = 0.693/K1, ये है प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्ध आयुकाल का गणितीय समीकरण। तो ये क्वेश्चन डिराइव करने के लिए भी आता है, व्युत्पन्न करने के लिए भी, मतलब ये जो पूरा हमने डिराइव किया है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ प्लीज उन्हें याद कर लीजिए, और इसमें इतना ही है, मैंने जीरो ऑर्डर का भी बता दिया, प्रथम कोटि का भी बता दिया। तो जो 1200 स्टूडेंट हैं उनके लिए जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही, प्रथम कोटि का ही आएगा, आपको सेकंड और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेशन जो मैंने समाकलन वेग पढ़ाया था और जो मैं अर्ध आयुकाल पढ़ाऊंगी उसकी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हायर स्टडीज वाले हैं उनको ज़रूरत है, या जो नीट और JEE की तैयारी या आगे की तैयारी कर रहे हैं वो द्वितीय और तृतीय कोटि का भी पड़ेगा। तो 12th स्टूडेंट के लिए इतना ही है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो हम अभी थ्योरिटिकल पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल में हम एक एक करके अब न्यूमेरिकल की सीरीज आएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।